स्टूडेंट्स टीम हमायों जुवेद फोकस टीवी इंटरनेशनल सदीक चनन वैफल वैफल फंडेश फंडेश लाहौर पंजाब पाकिस्तान। खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से हम आज का हमारा मज़मून है राह हक और जिंदगी। यस्सु खुदावंद ने फरमाया राह हक और जिंदगी मैं हूँ, कोई मेरे बगैर बाप के पास नहीं जा सकता। यस्सु के बगैर जिंदगी नहीं, यस्सु के बगैर कोई निजात नहीं। यस्सु जिंदगी है, राह है, हक है। यस्सु हमारा खुदा है, हम उसके राहों पर चलेंगे। सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक तो बेवकूफी है, मगर हम निजात पाने वालों के लिए खुदा की कुदरत है। लेकिन यस्सु के बगैर जो कुछ जिंदगी बसर करता है वो गुनाह में रहता है, वो अबलीस के शिकंदे में रहता है, उसके उसको कोई रहाई नहीं। यस्सु रहाई देता है, निजात देता है। यस्सु के पास आने से कलाम मुकद्दस में लिखा है कि तू और तेरा घराना निजात पाएगा। यस्सु पर ईमान ला, तू और तेरा घराना निजात पाएगा। यस्सु के बगैर निजात नहीं। इसी तरह हम देखते हैं समसून को, उसकी जिंदगी को देखते हैं कि उसने कैसे खुदा ने समसून को पैदा किया। उसकी माँ बांग थी, खुदा का फरिश्ता आया और समसून की माँ को के पास आया और उसके उसे कहा कि तेरे बेटा होगा। वो खुदा का प्यारा नसीर, लेकिन खुदा के फरिश्ते ने उसे हुक्म दिया कि ये ना शराब पिए, ना कोई नशा करे, ना इसके सर पर कोई उस्तरा फिरे। तो खुदावन का ये हुक्म था। इसी तरह खुदावन के उसने नाफरमानी की, समसून ने खुदा के हुक्म की नाफरमानी की और वो फंस गया। उसकी बीवी ने उसे बरगलाया तो वो खुदा के अपना भेद उसने अपनी बीवी को बता दिया। तो समसून की आंखें निकल गई, मौत आ गई। तो नाफरमानी से जो कोई खुदा की नाफरमानी करता है वो गुनाह में होता है। इसी तरह हवा ने गुनाह किया, हवा ने फल खाया और कलाम मुकद्दस में लिखा है अगर तू ये फल खाएगा तो सजाए मौत होगी, मौत की सजा मुकर्रर होगी। लेकिन हवा ने गुनाह किया, मौत आ गई। तो इसी तरह हम देखते हैं कि जो कोई गुनाह करता है उसके लिए मौत वाजिब हो जाती है, गुनाह हो जाता है। गुनाह की मजदूरी मौत है और जो कोई गुनाह करता है उसे मौत का सामना करना पड़ता है। लेकिन यस्सु राह हक और जिंदगी है, इसके बगैर कोई निजात नहीं। यस्सु जिंदा है और जिंदगी बख्शता है। ऐसी राह भी है, कलाम मुकद्दस ने अमसाल 14 बाब 12 आयत में लिखा है, ऐसी राह भी है जो देखने में सीधी मालूम होती है और इंतहा में मौत है। लेकिन जब हम गलत राह पर चलते हैं, अबलीस के कहने के मुताबिक चलते हैं, अबलीस की पूजा करते हैं, बुतों की पूजा करते हैं, तो हम बुतों की पूजा करते हैं तो हम गुनाहगार हो जाते हैं। हम हमारे अंदर गुनाह आ जाता है। जब भी कोई खुदा की नाफरमानी करता है, खुदा के बगावत करता है, तो उसके लिए रहाई नहीं, निजात नहीं। यस्सु के बगैर निजात नहीं। जो कोई यस्सु को कबूल कर लेता है तो यस्सु ने मौत और गुनाह पर फतह पाई। यस्सु ने हमारे लिए अपनी जान दे दी, कुफारा दे दिया और हमें रहाई दे दी, ताकि उसने मौत पर फतह पाकर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, ताकि हम निजात पाए और कसरत से पाए। खुदा यस्सु मसीह ने फरमाया राह हक और जिंदगी मैं हूं। यस्सु ने फरमाया मैं इसलिए दुनिया में आया कि लोग निजात पाए
रहाई पाए, आजादी पाए, खुशहाली पाए, खुशियां पाए, तो यीशु हमारे लिए कुर्बान होकर हमें निजात देकर हमें निजात दे दी, हम उसका शुक्र अदा करते हैं। शरीरों की रवत से खुदा को नफरत है, जो शरीर होते हैं खुदा को शरीरों से नफरत है, वो बुरी बातें सोचते हैं, वो बुरे ख्याल रखते हैं, लेकिन सदाकत के पैरों से मोहब्बत रखता है खुदा, सदाकत सच्चाई के लोगों में मोहब्बत रखता है, रास्तबाजों से मोहब्बत करता है, जो कोई खुदावन पर ईमान रखता है, खुदावन यीशु मसीह को कबूल कर लेता है, तो उसके लिए निजात आ जाती है, रास्तबाज बन जाता है, खुदा से पैदा हो जाता है। इसी तरह इंसान की नजर में उसकी सब रक्षें पाक हैं, लेकिन खुदा रूहों को जानता है। इंसान अपने आप को पाक समझता है, लेकिन खुदा रूहों को जानता है कि ये कैसा है, कैसी है। इसी तरह हमारी हम भी अपने आप को जाने कि हम किस तरह जिंदगी बसर कर रहे हैं, किस तरह हमारी रक्षें हैं। मुबारक है वो शख्स जिसकी रक्षे खुदावंत को पसंद है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। काहे की राह कांटों की आड़ सी करती है, रास्तकारों की राह शारा रवश शारा की मानद है। खुदावन खुदावन हमारे लिए रास्ते खोल देता है। जब हम कलामे मुकद्दस में लिखा है कि मुबारक है वो शख्स जो खुदावन से डरता है, उसकी कामर राहों पर चलता है, वो मुबारक है। मुबारक है वो शख्स जो खुदावन में मसरूर रहता है। हालेलुया, जब हम खुदावन में होते हैं तो हम खुशी पाते हैं, शादमानी पाते हैं, हम मसरूर रहते हैं, उसका शुक्र अदा करते हैं। यीशु के नाम से हम बहाल हो जाते हैं, हम पर कोई भी मुसीबत आ जाती है, यीशु के नाम में हम फतह पाते हैं, यीशु के नाम में हम बीमारियों से शिफा पाते हैं। इसी तरह अगर सुलेमान को देखे तो खुदा ने उसे कैसी बरकत दी, बादशाह बनाया, खुदा ने उसे तरह तरह के अकल और दनाई दी खुदा ने, लेकिन वो भी औरतों की जाल में फंस कर उसने 1000 बीवियां की, 700 बीवियां, 300 लौंडियां, लेकिन वो गैर बीवियों के हाथों से बुत परस्ती करने लगा। तो खुदावन जो कोई भी खुदा की राह से हट जाता है वो मौत की तरफ चला जाता है, और यीशु खुदा है, जो कोई उसे कबूल कर लेता है वो राहत पाता है, वो निजात पाता है, वो रहाई पाता है। यीशु के नाम से आमीन।